स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। प्रोकैरियोट का उदाहरण है, प्रोकैरियोट का उदाहरण है। ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी नेमाटोड, डी कवक। तो प्रोकैरियोट का उदाहरण है 31 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आधुनिक प्रायोगिक पादप रोग विज्ञान की आधारशिला रखी गई थी। आधुनिक प्रायोगिक पादप रोग विज्ञान की आधारशिला रखी गई थी। ए प्रीवेस्ट द्वारा, वी एरिक्सन द्वारा, सी एंटन डी बेरी द्वारा, डी मुलर द्वारा। तो 32 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, एंटन डी बेरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी थ्री। थर्टी थ्री में है, परपोषी को क्वेश्चन नंबर 33, परपोषी को यह भी कहा जाता है। ए है जयपोषी, बी है वृत्तपोषी, और सी है अपोषी, और डी है पोषी। फिर से सुनिए, थोड़ा स्पष्ट नहीं आया है। परपोषी को यह भी कहा जाता है, ए है जयपोषी, बी है मृतपोषी, सी है अपोषी, डी है पोषी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ई ऑप्शन इज करेक्ट, जयपोषी। क्वेश्चन नंबर आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, कुमाईसीटस वर्ग के कवक की कोशिका भित्त बनी होती है। कुमाईसीटस वर्ग के कवक की कोशिका भित्त बनी होती है। ए काइटिन, बी सेलुलोज, और सी हेमीसेलुलोज, और डी लिग्निन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ई ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, प्रतिजैविक पेनिसिलिन के द्वारा खोजा गया था। प्रतिजैविक पेनिसिलिन के द्वारा खोजा गया था। ए पी ए माइकेली, बी पी ए सैकार्डो, सी टी एस सदाशिवन, और डी ए फ्लेमी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए फ्लेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा कवक पौध रोग नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है।
इनमें से कौन सा कवक पौध रोग नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है? ए गैनोडर्मा, बी ट्राइकोडर्मा, सी क्लेविक्सेप्स और डी ट्राइकोलोमा। तो 36 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चे, ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। राष्ट्र में पिकनिया के कार को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है? राष्ट्र में पिकनिया के कार को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है ए एंटोन डिवेरी, बी जे जी कुहर, सी जॉन क्रेगी और डी पी ए माइकेली। 37 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, जॉन क्रेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इनमें से कौन जीवाणुनाशी का कार्य करता है? इनमें से कौन जीवाणुनाशी का कार्य करता है? ए पॉलीमिक्सिन, बी पेनिसिलिन, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। किस कवक द्वारा ए एंडोमाइकोराइजा बनता है? किस कवक द्वारा ई एंडोमाइकोराइजा बनता है? ए कार्टिनेरियस, वी इंटोलोमा, सी रेक्लेरोडर्मा, डी हाइमेनोस्काइफस। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, हाइमेनोस्काइफस। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। मेटालर्जिकल कवकनाशी जो मुख्य रूप से प्रभावी रोग कारक होता है संबंधित है? मेटालर्जिकल कवकनाशी जो मुख्य रूप से प्रभावी रोग कारक होता है संबंधित है, ए यूमाइसिटिस से, बी बेसिडियोमाइसिटिस से, सी एस्कोमाइसिटिस से और डी ड्यूटेरोमाइसिटिस से। तो 40 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओमाइसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। किसके द्वारा एपिसोरियम नहीं बनता है? किसके द्वारा एपिसोरियम नहीं बनता है? ए मैग्नोप्रोथेन, बी कोलेटोट्राइकम, सी अल्टरनेरिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट ग्रंथ के लिखा गया है, फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट ग्रंथ के लिखा गया है, ए बेसे द्वारा, बी रंगा स्वामी द्वारा, सी गोमन द्वारा, डी बटलर द्वारा। तो 42 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, बटलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। आयरिश महामारी किस कारण हुई थी? आयरिश महामारी किस कारण हुई थी? ए पक्सिनिया ग्रेमिनी, बी डेक्सलेरा ओराइजी, सी पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस, डी लाइडोकाइन जवान का। तो 43 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। कोक्लियोबोलस द्वारा बनने वाला अपोषिता विशिष्ट विष है? कोक्लियोबोलस द्वारा बनने वाला अपोषिता विशिष्ट विष है, ए ओफियोबोलिन, बी विक्टोरिन,
सी टी टॉक्सिन, डी एच सी टॉक्सिन। तो 44 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओपियो बोलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। डाज और सीयर ने किस कवक का आनुवंशिक अध्ययन किया? डाज और सीयर ने किस कवक का आनुवंशिकी अध्ययन किया? ए निक्रोस्पोरा, बी मीरोस्पोरा, सी स्क्लेरोस्पोरा, डी पेरोनोस्पोरा। 45 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, मीरोस्पोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। एफ्लाटॉक्सिन किस कवक द्वारा होता है? एफ्लाटॉक्सिन किस कवक द्वारा होता है? ए एस्परजिलस फ्लेविस, बी एस्परजिलस नाइजर, सी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, डी एस्परजिलस ग्लूकस। 46 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, एस्परजिलस फ्लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का पहला क्वेश्चन है 54। इंडियन पैथोपैथोलॉजी जर्नल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इंडियन पैथोपैथोलॉजी जर्नल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ए 1951, बी 1948, सी 1962, डी 1934। तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1948 में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। निवेश द्रव्य के बहिष्करण के लिए जाता है, इसे देखें, निवेश द्रव्य के बहिष्करण के लिए जाता है। ए क्वारंटाइन, बी रागिंग, सी इंटरक्रॉपिंग, डी फ्यूमिगेशन। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, 55 का ई ऑप्शन इज करेक्ट, क्वारंटाइन। निवेश द्रव्य के बहिष्करण के लिए जाता है वो है क्वारंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। सीएबी अंतर्राष्ट्रीय कवकीय संस्थान किस देश में है? सीएबी अंतर्राष्ट्रीय कवकीय संस्थान किस देश में है? ए जापान, बी इंग्लैंड, सी भारत, डी यूएसए। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा, 56 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। भारत में गेहूं के किट रोग के रोग चक्र की खोज किसने की? भारत में गेहूं के किट रोग के रोग चक्र की खोज किसने की? ए विजय बटलर, बी आर्य सिंह, सी के सी मेहता और डी एम जे थिरुमुला चार। 57 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, के सी मेहता। क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के कीट रोग के रोग चक्र की खोज किसने की थी? वह के सी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निवेश द्रव्य को समाप्त करने का अच्छा तरीका है? निवेश द्रव्य को समाप्त करने का अच्छा तरीका है। ए क्वारंटाइन, बी रासायनिक उपचार, सी फसल चक्र, डी बुआई के समय में बदलाव। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, रासायनिक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। जीवाणु कोशिका भित्ति के एक तरफ एक पहले जिला वाले को कहते हैं,
ज्वार कोशिका भित्ति के एक तरफ एक फ्लैजिला वाले को कहते हैं ए पेरिट्राइकस, बी लोकोट्राइकस और सी मोनोट्राइकस और डी एम्फीट्राइकस। तो 59 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, मोनोट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने क्रिस्टलीकृत विसार को खोजा, किस वैज्ञानिक ने क्रिस्टलीकृत विसार को खोजा, ए विजेरिक, बी स्टेनले, सी स्मिथ, डी ग्राम। तो 60 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेनले। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सिंहालय सभी तरह से देवी का सफलतावा से प्यारे बच्चों में आज एजी 2006 कोर्स फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन नंबर 31 से 60 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशयम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।